हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बारे में। ठीक है, देखो इसको हम डिफरेंस की द्वारा डिस्क्राइब करेंगे। पहला हम बात करते हैं कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है, देखो ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट करता है। तो देखो एक्सोटॉक्सिन जो होता है इसको ग्राम पॉजिटिव भी सीक्रेट कर सकता है और ग्राम नेगेटिव भी सीक्रेट कर सकता है, जबकि जो एंडोटॉक्सिन होता है ये ओनली किसके द्वारा सीक्रेट होता है, ये ओनली ऑन ग्राम नेगेटिव के द्वारा सीक्रेट होता है या प्रोड्यूस होता है। क्लियर, तो पहला हम बात करते हैं इसमें सोर्स के बारे में। सोर्स कौन सा हो गया इसका, इसका सोर्स हो गया ग्राम्स पॉजिटिव एंड ग्राम्स नेगेटिव। क्लियर, जबकि इसमें क्या हो गया, ओनली ग्राम नेगेटिव। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ कंपोजिशन की, ठीक है, मतलब ये किसका बना होता है, तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो देखो कंपोजिशन में सिंपल सा है कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये क्या होता है, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेडअप ऑफ प्रोटीन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एंडोटॉक्सिन की, तो एंडोटॉक्सिन क्या होता है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, ये बैक्टीरियल सेल का ही क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, लिपिड की कंटेंट ज्यादा होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है, और एंडोटॉक्सिन क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बनता कहाँ है, सीक्रेट कहाँ होता है, तो लोकेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो लोकेशन में सिंपल सा है कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर तो बनता है, और सीक्रेट कहाँ होता है, आउटसाइड में होता है, मतलब सराउंडिंग में होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग बाय ए बैक्टीरियल सेल। क्लियर, एंड एक्ट कहां पे करेगा, एक्ट आउटसाइड द सेल। क्लियर, जबकि अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये बैक्टीरियल सेल का ही पार्ट होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, तो एंडोटॉक्सिन क्या है, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ लिपोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, मतलब कौन कितना ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो हीट सेंसिटिविटी, देखो जो एक्सोटॉक्सिन होता है ये क्या होता है, हीट लेवल होता है। ठीक, क्या होता है, हीट लेवल होता है, मतलब अगर आप, ये क्या होता है, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है, खत्म हो जाता है इसका काम। ठीक है, तो 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है काम, किल्ड। जबकि अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन की, तो एज कंपेयर टू एक्सोटॉक्सिन ये क्या होता है, हीट रेजिस्ट होता है। ठीक है, मोर हीट रेजिस्टेंट। ठीक है, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होता है, मरता है। ठीक है, तो ये 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे खत्म हो रहा था काम इसका, और इसका काम कितने पे खत्म हो रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि मोलिकुलर वेट कितना कितना होता है इसका। देखो मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करें, तो जो एक्सोटॉक्सिन होता है इसका मोलिकुलर वेट क्या होता है, कम होता है, कितना होता है, 10 किलो डाल्टन होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एंडोटॉक्सिन की, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 50 किलो डाल्टन से 1000 किलो डाल्टन होता है। क्लियर, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फीवर कौन सा टॉक्सिन है जो प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो जो एक्सोटॉक्सिन होता है वो फीवर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, किसके अंदर, होस्ट के अंदर जो है
क्या बोलते हैं फीवर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जबकि एंडोटॉक्सिन क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो छठा पॉइंट हम बात करें फीवर, ठीक है। तो एक्सोटॉक्सिन क्या हुआ, कैन नॉट प्रोड्यूस, और ये क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस, ठीक है। फिर आप बात करना कि इम्यून रिएक्शंस की बात करते हैं, कि जब एक्सोटॉक्सिन किसी होस्ट के अंदर इम्यून रिएक्शंस करता है तो इसकी जो इम्यून रिएक्शंस होती है एक्सोटॉक्सिन की, वो क्या होती है, स्ट्रांग नेचर की होती है, जबकि अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन की तो वो वीक नेचर की होती है, ठीक है। इम्यून रिएक्शंस, इसकी इम्यून रिएक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होती है नेचर में, और इसकी जो इम्यून रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, वीक होती है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवेशन के बारे में। देखो एक्टिवेशन से क्या मतलब है, कि अगर एक्सोटॉक्सिन की थोड़ी सी डोज भी होती है तो थोड़ी सी डोज भी क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, जबकि ये क्या होता है एंडोटॉक्सिन, ये हाई अमाउंट में क्या होता है, इसका जब अमाउंट ज्यादा होगा, इसकी डोज ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्टिव इन वेरी लो डोज, और जो एंडोटॉक्सिन है वो क्या होता है, एक्टिव ओनली इन वेरी हाई डोज, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर एंटीजेनिक नेचर के बारे में। तो देखो ये जो एक्सोटॉक्सिन होता है इसकी एंटीजेनिक नेचर क्या होती है, बहुत ज्यादा हाईली एंटीजेनिक होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन की तो ये क्या होता है, वीक एंटीजेनिक नेचर का होता है, मतलब डेंजर कौन सा है, एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। तो एंटीजेनिक नेचर की हम बात करें तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है, हाईली एंटीजेनिक नेचर में होता है, और जो एंडोटॉक्सिन होता है वो क्या होता है, वीकली एंटीजेनिक होता है, ठीक है। अब मैं लास्ट बात करता हूं टिश्यू एफिनिटी के बारे में, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा 10वां, टिश्यू एफिनिटी के बारे में, क्लियर गाइस। देखो टिश्यू एफिनिटी का सिंपल सा है कि जो एक्सोटॉक्सिन होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, स्पेसिफिक टिश्यू एफिनिटी होती है, मतलब वो स्पेसिफिक टिश्यू होता है उसी पे क्या करता है, एक्ट करता है। जबकि एंडोटॉक्सिन में ऐसी कोई स्पेसिफिक टिश्यू एफिनिटी नहीं होती, वो किसी पे भी एक्ट कर सकता है, किसी भी टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू एफिनिटी में लास्ट पॉइंट हमारा टिश्यू एफिनिटी, तो एक्सोटॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है, इट हैज स्पेसिफिक टिश्यू एफिनिटी, क्लियर गाइस। जबकि अगर मैं बात करूं एंडोटॉक्सिन की तो एंडोटॉक्सिन जो होता है इट हैज नो स्पेसिफिक टिश्यू एफिनिटी, ठीक है गाइस। आपके 10 पॉइंट हो गए एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बारे में, आप इसको रिमेम्बर करें, ठीक है। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। गाइस इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट। थैंक यू।